जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हाँ जी भैया, जय भोले जी की। जय भोले भैया, हम बाराबंकी से बोल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, बोले बोले भैया। हमारा बाराबंकी में लखापुरी ग्राम पड़ता है, त्रिवेदीगंज के पास। हाँ जी, हाँ जी। हम यहाँ से बोल रहे हैं। तो बाबा भैया, बाबा की यात्रा पे हम लोग कई साल से जा रहे हैं, कंपल्सरी। कई साल से जा रहे हैं आप? कितने साल हो गया आपको जाते हुए? भैया हमने 2017 में बाबा की यात्रा की, 2018 में किया। तो बहुत बड़ी कृपा है प्रभु, बंदों को एक बार दर्शन हो जाए बाबा की, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी जी भैया, 2020 में कोविड के चलते हमने यात्रा माने सभी, किसी की नहीं हो पाई, तो हमारी तो मान लो कोई बात नहीं। सही बात है, सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो 2020 हम लोगों का खाली चला गया। चलो 2021 में तो हम 2021 में फिर यात्रा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे जानकारी ये लेना चाह रहे थे कि भैया हमारी चार बार बाबा की यात्रा हुई है, चारों बार हम खाली बालताल वाले रूप से यात्रा कर पाए हैं। अच्छा अच्छा जी भैया, तो हम ये सोच रहे थे कि इस बार हम लोग पहलगांव वाले रूट से यात्रा करना चाहिए। ये आपने बहुत बढ़िया काम किया, पहलगांव रूट जो है ना, यात्रा अभी को उसी से करनी चाहिए, भले ही वापिस बालताल से आ जाओ। क्योंकि हम तो हर किसी को ये सोचने जाते हैं, जितने साल से हम जा रहे हैं, 10-11 साल से हम पहलगांव से जाते हैं और बालताल से वापिस आते हैं। पहलगांव रूट में जो नज़ारे है ना, वो नज़ारे आपको कहीं नहीं मिलेंगे पूरी यात्रा में। जब आप यात्रा करके आओगे ना, तो सपनों में भी वही नज़ारे आया करेंगे आपको बाबा के। नजारे तो खैर रहे हैं, बाबा की इतनी बड़ी महिमा है कि हम लोग एक बार दर्शन करके आते हैं, पूरे साल हम लोगों का पता नहीं कैसे कैसे दिन समझ पाता है। जो बाबा के परम भक्त होते हैं ना, संसार को ये बात नहीं समझ आई है, नहीं समझ आएगी। संसार को आ जाएगी, जो बाबा के दरबार में एक बार चला गया वो बाबा का होके रह गया। भैया ये कही आपने बात, या तो बाबा के दरबार में लोग जाते नहीं है, और जाते तो बाबा के होके रह जाते हैं। हमारे साथ यही हुआ। पहली बार हम अपने गांव से अकेले यात्रा किए थे। अच्छा अच्छा जी, मेरा लखापुर गांव पड़ता, मेरा संदीप कुमार अवस्थी नाम है भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, लखनऊ में मेरा टूर एंड ट्रेवलिंग का काम है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। लखनऊ में? जी भैया, लखनऊ में गोमती नगर से टूर एंड ट्रेवल का काम करता हूँ भैया। बहुत बढ़िया, 12 साल से। चलो जी, और तो कारण ये बना कि जब हम पहली बार 2017 में बाबा की यात्रा पे गए तो अकेले गए। अच्छा अच्छा, उसके बाद जो हमारे एक मित्र हैं नितिन कुमार अवस्थी, हमने उनको तैयार किया अगली बार यात्रा में, बहुत समझाया उनको। पहली बार हमने भी समझाया लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन दोबारा उनकी समझ में आ गया, बाबा का बुलावा आ गया। ठीक है ठीक है। तो धीरे धीरे करके उनको जब लेके गए, तो लोगों से यहाँ जब वापस आते थे गाँव में, बड़ी बड़ी बातें जब लोगों को बताया, तो धीरे धीरे कारवा बढ़ता चला गया। अच्छा अच्छा, आज पोजीशन ये हो गई कि हमारे क्षेत्र से पिछली बार जब 2019 की यात्रा हुई है तो 107 आदमी गया था टोटल। 160 जी, 107 से बस। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, ये लोग हमारे क्षेत्र में बाबा बर्फानी। ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आपने बाबा के नाम का पूरा प्रचार किया और यात्रियों को बढ़ाते चले गए हैं। हाँ, लोग बढ़ते चले गए, लोगों का कारवा बढ़ता चला गया, आज बहुत लोग बाबा के दरबार में जाने लग गए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है प्रभु जी, बहुत ही अच्छी बात है ना। कुछ लोग हमसे पहले से भी जा रहे हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ क्षेत्र के जो हमसे पहले भी गए थे, लेकिन हमने इधर जाके थोड़ा प्रचार प्रसार ज्यादा किया नवयुवकों में, क्योंकि हम थोड़ा नवयुवक हैं, तो नवयुवकों को बढ़ावा बहुत ज्यादा मिल गया इधर का। अच्छा अच्छा, पिछली बार तो हमारे साथ 16-16 साल उम्र वाले बच्चे भी गए थे, छोटे छोटे बच्चे भी, जो उनको भी इतना क्रेज बन गया बिचारों का कि वो भी हर साल तैयार हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम ये सोच रहे थे कि भैया इस बार हम पहलगांव रूट से यात्रा करें। तो एक्चुअली में हम आपको एक चीज बताते हैं, हमने पिछली बार जो यात्रा की वो 7 दिन में लखनऊ से जाके वापस आ गए। लखनऊ से निकल के 7 दिन में लखनऊ वापिस है? 7 दिन लखनऊ, 2 तारीख को मेरा टिकट था 2 जुलाई को, और 7 जुलाई को मेरा वापसी का टिकट था वहाँ से, बेगमपुरा से। अच्छा अच्छा, जम्मू से। बहुत बालताल रूट से हमने यात्रा की, बालताल रूट से यात्रा की थी भैया। अच्छा अच्छा, हाँ। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम पहलगांव रूट से यात्रा करेंगे तो कितना समय लगेगा भैया? पहलगांव रूट से भैया देखो चलने वाली, पहला स्टे हम करते हैं शेषनाग जी में जी, तो शेषनाग पहुंचना कोई मतलब इतना टाइम नहीं लगता है, पर यह कि पहला स्टे कर लेना चाहिए। बहुत ही कोई यंग हो या बहुत ही कोई फास्ट चलने वाला हो ना, तो वो लोग चले जाते हैं पंसरनी भी या फिर पोषपत्री भंडारे में जाते हैं। पर मेरी एडवाइस तो आपको ये रहेगी कि पहला स्टे करें आप शेषनाग जी में, और अगला करें बाबा जी की गुफा पे जी। ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो पहला दिन आप चलेंगे नीचे पहलगांव से, तो पहला स्टे शेषनाग जी में एक हो गया जी, है ना
उससे बाद दूसरा से स्टे आपका बाबा जी की गुफा पे, मतलब आप शेषनाग से चलेंगे तो दोपहर तक पहुंच जाएंगे। अगर आप ठीक ठीक टाइम पे पहुंच जाते हैं, मतलब आप लगा लो 2-2.5 बजे तक, तो आप दर्शन करके बालटाल से नीचे जा सकते हैं, 6-7 बजे तक नीचे पहुंच जाएंगे वापस जी। तो 2 दिन मान के चलिए आप, 2-3 जी। हाँ, बालटाल से तो आप सेम डे में जाके वापिस आते थे, 2 दिन लगाते थे, 1 दिन जाना ही। बालटाल से कितने दिन लगाते थे आप जी? तो मैं कह रहा हूँ 2 दिन लगेंगे आपको, 2 दिन ना, पहलगाम रूट से। ठीक है ठीक है, तो 2 दिन में आप बाबा जी के दर्शन करके नीचे भी बालटाल आ जाएंगे, तेज चलने वाले होंगे, नहीं तो 2.5 दिन लगा लो बस, जितने करते थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और दूसरी जानकारी ये लेनी थी कि हम लोग अभी तक जितने भी बार गए हैं, हमने से पूरे डॉक्यूमेंट जम्मू से ही बनवाए हैं। भगवती नगर से? सारे नहीं, भगवती नगर में ही बनता है। अच्छा। हमने जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे नाम होटल है वहाँ पे करवाया है। अच्छा अच्छा, हाँ आपने बताया था मुझे, याद आ गई। हाँ ठीक है ठीक है। और रजिस्ट्रेशन भी हमने जम्मू में ही करवाया है, वही रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने वाली मार्केट में, वही बिल्डिंग तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया है, और भगवती नगर में मेडिकल करवाया है, सेम डे हो जाता है, और वहीं से सारे डॉक्यूमेंट करा के, तो वो ज्यादा आसान प्रक्रिया लगती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्या हम ये सोच रहे हैं हमको अपने जिले पे दौड़ना पड़ेगा मेडिकल के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उससे अच्छा है कि वहीं पहुंच जाओ, सुबह 10 बजे ट्रेन पड़े, 10 बजे 11 बजे पहुंचा ही देती है वहां पे। हम लोग लखनऊ से जाते हैं तो बेगमपुरा ट्रेन है, यहाँ पे 7 बजे बिठाती है लोगों को। हाँ जी, लखनऊ जंक्शन पे 6:45 की है और 11 बजे वहाँ पे उतार देती है जम्मू में। तो 11 बजे से लगा के शाम तक का पूरा समय रहता है, उसके समय में डॉक्यूमेंट आसानी से हम लोग कंप्लीट करवा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद शाम को भगवती नगर पहुँच जाते हैं, अगले दिन सुबह वहाँ मॉर्निंग में बस पकड़ के सीधा चले जाते हैं, बहुत समय भी नहीं बर्बाद होता है। अच्छा अच्छा जी भैया, तो बढ़िया, यही आप अपने यहाँ से करके जा सकते हैं, तो आपके आपको तो पता ही वहाँ होते हैं ना, तो अपने यहाँ से करके जाने तो वो भी ठीक है आपके लिए। नहीं, अब हमको लोगों को वो ज्यादा आसान प्रक्रिया लगती है, यहाँ जिले के दौड़ने से अच्छा वहीं करवा लो जाके, वो भी ठीक है। फिर इसमें डेट मिल जाती है मनपसंद की? हाँ भैया, डेट मनपसंद की मिल जाती है, आपने आज पहुंचे? हाँ मिल जाती है, हमने तो पिछली बार जब 2019 में गए थे तो अगले दिन की नेक्स्ट की डेट मिल गई थी सुबह। फिर तो बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो करवा दीजिए। दर्शन में दिक्कत नहीं आती है। ठीक ठीक ठीक, तो बढ़िया रहेगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, तो पहलगाम से यात्रा करना, बालटाल से नीचे आना और मेडिकल स्टेशन अपने वहीं करना, ठीक है प्रभु जी? जी भैया, जो भी आपने जानकारी ली है ये मतलब सभी को मिल जाए, तो ये वीडियो मैं आपकी ना यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है प्रभु जी? ठीक, कब तक डालेंगे इसको? डाल देंगे, 1-2 दिन में डाल देंगे, ठीक है प्रभु जी? जरूर जरूर। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर मैसेज या कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि सही जानकारी और जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।